देश भर के लोग श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर जब भगवान कृष्ण की पूजा अर्चना और भक्ति में लीन थे, तब उत्तर प्रदेश की बड़ी आबादी अंधकार में डूबी हुई थी। बुधवार की रात बिजली विभाग की कुंभकर्णी नींद के कारण यूपी के लाखों लोग भारी परेशानी के चलते रात भर जागते रहे। लखनऊ, गोरखपुर, मथुरा, वाराणसी, मेरठ जैसे राज्य के कई बड़े जिलों की बिजली रात भर गुल रही। अकेले राजधानी लखनऊ में ही 30,000 घरों में अंधेरा छाया रहा। लोग रात भर बिजली विभाग को फोन करते रहे, लेकिन समस्याओं का समाधान नहीं हुआ। गुस्साई जनता ने लखनऊ में चिन्हट के कमता पावर हाउस स्टेशन पर जबरदस्त प्रदर्शन किया। क्या नाम है आपका, क्या कारण है जिस वजह से आप लोग पावर हाउस पे आए? सर मेरा नाम अजय कुमार है। सर पावर कट हुआ है हमारे यहाँ पे, मीटर में लाइट आ रही है और बाकी घर में नहीं आ रही है, मतलब उसका आउटपुट नहीं हो रहा। करीब कितने घंटे हो गए लाइट नहीं आ रही? सर ये मान के चलिए लमसम 5 बजे की बात है। यहाँ पर पावर हाउस पे बात किया तो क्या बता रहे हैं कर्मचारी? सर ये कोई भी साफ जवाब नहीं दे रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि टेक्निकल प्रॉब्लम है। और टेक्निकल प्रॉब्लम में क्या है, नंबर तो कोई काम नहीं कर रहा। ये जितने भी इनके अधिकारियों के नंबर है, नंबर कोई काम नहीं कर रहे हैं। अच्छा जी, नंबर कोई भी काम नहीं कर रहे हैं और नंबर ना काम करने की वजह से ही पब्लिक को सही जवाब ना मिल रहा है, इसलिए पब्लिक उग्र हो रही है। अच्छा, ऊपर से बोलते हैं कि 100 नंबर डायल करके जो है और सबको गिरफ्तार करवाएंगे। इन्होंने ये बोला अंदर कि 100 नंबर डायल कर रहे हैं। और सर जिस आदमी का बिल जमा है जिसका, उसका भी कार्ड दिया है, बिना किसी सूचना के, बिना किसी मैसेज के ये सारा कुछ हो रहा है। ये जैसे नए वो मीटर लगे उसके वजह से हो रहा है? सर ये जो मीटर लगा है हम लोग बिल्कुल इसके खिलाफ है। इस मीटर में उपभोक्ता को कुछ भी समझ में नहीं आता है। उपभोक्ता ये नहीं जान पाता है कि उसमें बिल आ रहा तो कितना आ रहा, क्यों आ रहा है, उसका क्या सिस्टम है। इसके पहले जो मीटर था उसमें हम लोगों को कुछ समझ नहीं आता था और वो सर सही चलता था। ये इसकी स्पीड इतनी ज़्यादा है कि जिसका 500 रुपये बिल आता है तो उसका सीधे 1200 रुपये बिल आ रहा है। और सिर्फ बिल बताता है सर, ना यूनिट का दिखा, मोबाइल पर मैसेज आएगा सिर्फ बिल का, यूनिट का बिल नहीं आएगा, कितने चार्ज हुआ क्या, कोई सिस्टम सर उसमें नहीं देते हैं। पर्टिकुलर जो भी हाईटेक सिस्टम है उसकी कोई भी सुविधा उसमें नहीं है। विद्युत विभाग ने बिजली के स्मार्ट मीटरों में कुछ सॉफ्टवेयर की दिक्कत बताई है। सरकार ने जनता के गुस्से को देखते हुए आनन फानन में भारत सरकार के उपक्रम EESL के स्टेट हेड और एक इंजीनियर को निलंबित कर दिया है। लोगों को विद्युत विभाग की लापरवाही के कारण भगवान कृष्ण के प्रकटोत्सव पर विधिवत तरीके से अपने आराध्य की पूजा अर्चना न कर पाने का बड़ा मलाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, डायनामाइट न्यूज़, लखनऊ।